नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। राजनीति ने एक नारा दिया था, मेरा भारत महान, लेकिन वही राजनीति कई बार ऐसे ऐसे गुल खिलाती है कि कहना पड़ता है मेरा भारत हैरान। अब आप दिल्ली चुनाव को ही ले लीजिए। मॉडल टाउन से बीजेपी के उम्मीदवार बार बार कह रहे हैं कि भारत में नागरिकता कानून के विरोध के नाम पर कई पाकिस्तान बनाने की कोशिश हो रही है। 8 फरवरी को पाकिस्तान का मुकाबला हिंदुस्तान से है, चुनाव आयोग ने मुकदमा कर दिया है। और आपको यह नहीं पता है कि अगर आप पाकिस्तान खड़ा करोगे तो हिंदुस्तान खड़ा होगा। भारत माता की जय। कपिल मिश्रा को तो जानते होंगे, करावल नगर वाले कपिल मिश्रा। अब ये मत पूछ लीजिएगा कौन करावल नगर। मिश्रा जी पाकिस्तान का वीजा जेब में लेकर घूम रहे हैं, तुरंत लाहौर की बस में बैठा देंगे। दिल्ली के अंदर पाकिस्तान खड़ा करके चुनाव लड़ना चाहते हो क्योंकि आपने 5 साल कोई काम नहीं किया। दरअसल एक दिन पहले बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली चुनाव पर एक मंत्र मारा था, सुनिए। सीएए करे विरोध, राहुल बाबा और केजरीवाल का स्टेटमेंट आता है। तुरंत दूसरे दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का स्टेटमेंट आता है। और आप दोनों स्टेटमेंट यूट्यूब पर देख लो, दोनों स्टेटमेंट एक समान है। मैं बहुत सोचता हूँ इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है, मेरी समझ में नहीं। संदर्भ था नागरिकता कानून के विरोध का, और वो शिष्य ही क्या जो गुरु के मंत्र को माथे में न घुसा ले। और नया नया शिष्य तो कुछ ज्यादा ही मेहनत करता है। और आपको ये नहीं पता है कि अगर आप पाकिस्तान खड़ा करोगे तो हिंदुस्तान खड़ा होगा, और यही मैंने बोला है। ये लीजिए, आप सोच रहे होंगे कि 1857 के सिपाही विद्रोह में ही हिंदुस्तान खड़ा हो गया था, 1917 के चंपारण सत्याग्रह में हिंदुस्तान खड़ा हो गया था, 1919 के खिलाफत आंदोलन में हिंदुस्तान खड़ा हो गया था, 1920 के असहयोग आंदोलन में हिंदुस्तान खड़ा हो गया था, 1924 के नमक सत्याग्रह में हिंदुस्तान खड़ा हो गया था, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हिंदुस्तान खड़ा हो गया था। लेकिन करावल नगर से निकलकर मॉडल टाउन पहुंचे कपिल मिश्रा के लिए तो हिंदुस्तान अब खड़ा होगा, और वो उनके पीछे खड़ा होगा। अगर आप पाकिस्तान खड़ा करोगे तो 8 फरवरी को हिंदुस्तान खड़ा होगा। भाई रे भाई, हमने तो सोचा था कि 15 अगस्त 1947 की आधी रात को हिंदुस्तान खड़ा हो गया था, लेकिन करावल नगर वाले, मतलब अब मॉडल टाउन वाले भाई तो मानने को ही राजी नहीं। जिस बेशर्मी के साथ कल मनीष सिसोदिया जी ने यह कहा कि वो शाहीन बाग के साथ खड़े हैं, इसका मतलब आप ये पॉलिटिकल मूवमेंट चलवा रहे हैं। इसका मतलब आप एक मुस्लिम वोट बैंक की गंदी राजनीति करना चाहते हैं। और मैं बिल्कुल कायम हूं, अगर आप छोटे छोटे पाकिस्तान बनाओगे तो एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान जरूर खड़ा होगा इसके जवाब में। या अल्लाह, बीजेपी को बस एक गांधी बाबा की ही कमी थी और वो उसको मिल गया कपिल मिश्रा के रूप में। झूठी पढ़े थे कि हिंदुस्तान को गांधी बाबा ने खड़ा किया, नेहरू ने खड़ा किया, पटेल, सुभाष, राजगोपालाचारी, जाकिर हुसैन, अरुणा आसफ अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने खड़ा किया था। लेकिन बीजेपी वाले मिश्रा जी तो कह रहे हैं वो सब बेकार था, अब हमारे पीछे खड़ा होगा नया हिंदुस्तान, बड़ा हिंदुस्तान। नहीं, सबसे पहली बात यह है कि मैंने सच बोला है, अपने सत्य पर पूरी तरह से अडिग हूं। बाबा रे बाबा, अभी तक तो गांधी ही सोचा था इनको, ये तो सत्यवादी हरिश्चंद्र के चचा निकले। कौन कपिल मिश्रा? एक आम आदमी पार्टी के। क्या कहा है उन्होंने? पाकिस्तान होगा 8 फरवरी को। BCCI में चले गए क्या वो? मुझे पता नहीं। इस बयान को लेकर अगर कपिल मिश्रा का नॉमिनेशन भी इलेक्शन कमीशन कैंसिल कर दे तो वही सही होगा। बीजेपी को खबर लगी कि अपना गांधी आजाद भारत में पाकिस्तान खोजकर यूरेका यूरेका चिल्ला रहा है तो उसका जी ही जुड़ा गया कि चलो कोई तो वीर मिला जो भारत के सैकड़ों चौराहों पर गांधी के सत्याग्रह पर डटे आंदोलनकारियों को डंके की चोट पर पाकिस्तानी बोल रहा है। सच्चाई तो ये है, कभी सिसोदिया साहब कहते हैं कि मैं खड़ा हूँ शाहीन बाग के साथ, और कभी राहुल गांधी अपने नेताओं को बेचते रहते हैं शाहीन बाग। सच्चाई क्या है, क्या होता है? कपिल मिश्रा के पाकिस्तान प्रेम की खबर चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी थी।
शाम ढलते ढलते दिल्ली पुलिस को निर्देश जारी कर दिया माननीय पर समुदायों के बीच फसाद भड़काने का मुकदमा कायम किया जाए। इसको बोलते हैं राष्ट्रवाद। चुनाव चीज ही ऐसी है। मिश्रा जी को दिन दहाड़े करावल नगर में कराची और मॉडल टाउन में मुल्तान नजर आ रहा है। और पता है कि नहीं, कपिल मिश्रा ने पढ़ाई क्या की है? सोशल वर्क की, सामाजिक कार्य, सबको एक साथ जोड़ने की। उनके प्रोफेसरों को कितना गर्व होता होगा उन पर कि चेला दिल्ली में हिंदुस्तान पाकिस्तान जारी है तो इंदौर में बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय नागरिकता की पहचान पर पोहा क्रांति कर रहे थे। उन्होंने अपने यहां काम करने वाले मजदूरों का जिक्र करते हुए कहा कि पोहा खाने के तरीके से ही वो समझ गए कि ये सब बांग्लादेशी हैं। अब विपक्ष इसे लेकर कैलाश विजयवर्गीय के पीछे पड़ गया है। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि जब पोहे से ही काम हो जाएगा तो CAA की जरूरत क्या है। ये बहनों जो आग लगा रहे हैं टीवी पे, उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। प्रधानमंत्री ने झारखंड के चुनाव में जब आधार पहचान पत्र, वोटर पहचान पत्र, पैन पहचान पत्र वगैरह से ऊपर उठकर वस्त्र प्रमाण पत्र का फॉर्मूला दिया था तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी पार्टी के नेता चार्ल्स डार्विन के चाचा हो जाएंगे, सरकार का अरबों रुपया बचाने का बंदोबस्त कर देंगे। तो मैं रात को 9 बजे आया, मैं सीधा अपने रूम पे गया तो उसके सामने उसका रूम बंद था। वहां पर एक थाली के अंदर 6-7 मजदूर इतने सारे पोहे, मतलब कम से कम 10 प्लेट एक थाली भर के पोहे खा रहे थे। मैंने कहा यार पोहे क्यों खा रहे थे? मैंने अपने सर्वर को बताया, मुझे क्यों भाई इनको रोटी वोटी नहीं बनाई? बोले साहब रोटी खाती क्यों? बोले साहब ये पोहे खाते हैं बस। कुछ अंकल भी कहीं कौन से देश के यार, सिर्फ पोहे खाते और थाली भर भर के। इसके बाद तो बीजेपी के कैलाश झट से पहचान गए कि वो मजदूर बांग्लादेशी हैं। मतलब समझ रहे हैं, अमेरिका वाले बेकार ही अंगूठे का निशान लेते हैं, आंखों की पुतली की फोटो लेते हैं, अपने यहाँ आधार कार्ड में भी लेते हैं। ठेकेदार का जो बंदा था वो बोला सर ये बंगाल के। तो मैं क्या बंगाल के कौन से डिस्ट्रिक्ट के? मेरा तो बंगाल चप्पा चप्पा छाना हुआ, मैं कम से कम एक एक डिस्ट्रिक्ट में 10-15 बार गया हूँ। तो CAA NRC NPR पर अरबों रुपए फूकने का कोई मतलब ही नहीं। आदमी के आगे पोहा रख दीजिए, कैलाश बाबू झट से जान जाएंगे कि बंदा चिली का है, कंबोडिया का है, घाना का है, पेरू का है, मंगोलिया का, अंगोला, अल्जीरिया या इथोपिया का है। बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री खाने से और कपड़े से पहचानने लगे हैं। मुझे तो लगता है विदेश में बीजेपी के नेताओं की डिमांड बढ़ जाएगी स्पाइंग करने के लिए। पोहा तो मालवी व्यंजन है ना, है? और ये कैसे पहचान लिया कि वो बांग्लादेशी थे? अब वो आजकल वो थोड़े से विचलित हैं, जब से माफियाओं पर इंदौर में कार्रवाई हुई है कैलाश जी बहुत विचलित हैं। सब बेकार की बातें, जो असली बात है वो ये कि देश में तमाम पहचान पत्रों को खत्म करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए और उसी सत्र में पोहा पहचान पत्र के लिए नया कानून लाया जाना चाहिए। इसके एक साथ 5 फायदे हो सकते हैं। 1, NRC NPR CAA का अरबों रुपया बचेगा। 2, पहचान की सारी मशीनों की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। 3, इसी बहाने जांच कराने आने वालों को गर्मा गर्म पोहा खाने को मिलेगा। 4, दुनिया के दूसरे देशों में पोहे की मांग बढ़ेगी। और 5, पोहा पहचान का वैश्विक ठेका हमारी सरकार को मिल सकता है। ये मैं जरूर कहूंगी आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इन्हीं बयानों की वजह से ये देश की जनता इस सरकार पर विश्वास नहीं करना चाहती कि NPR एक सेंसस की तरह कोई एक्सरसाइज होगा, बल्कि ये प्रोफाइलिंग का काम करेगी। ये
प्रोफाइलिंग का काम करेगी, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो किसी कम्युनिटी की हो, चाहे किसी की भाषा की हो। और अब ये बात भी तय हो गया है कि वो इंसान भोजन में क्या खा रहा है, उसकी भी प्रोफाइलिंग ये सरकार करेगी। कैलाश विजयवर्गीय ने अनजाने में पोहे को ठेले पर बिकने वाले खाद्य पदार्थ से कोहिनूर जैसी चीज में बदल दिया। डोनाल्ड ट्रंप से लेकर बोरिस जॉनसन तक अफसोस में डूबे हुए हैं कि हमारे यहाँ एक से एक वैज्ञानिक हुए, लेकिन पोहा साइंस का एक भी कायदे का आदमी नहीं हुआ। पोहा खाने वाले की स्टाइल से वो समझ जा रहे हैं कि वो बांग्लादेशी है, बाहर के देश से आया है। वरिष्ठ नेता है, वो जो कहते हैं सोच समझ के कहते। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय के पोहे ने इस देश को नई पहचान दी है। पहले भारत को लोग गांधीवादी देश कहते थे, लोहियावादी देश कहते थे, अंबेडकरवादी देश कहते थे, लेकिन अब इसे पोहावादी देश का गौरव हासिल हुआ है। फिर हमारे यहाँ एक आरएसएस में प्रातः स्मरण होता है, तो प्रातः स्मरण होता था, सभी महापुरुषों का स्मरण करते हैं, फिर सबको चाय परोसता था, उसके बाद शाखा चला जाता था, फिर आकर के सबके लिए नाश्ता बनाता था, तो पोहे वगैरह बनाना मुझे बहुत अच्छा आता है। अच्छा। सबको मैं खिलाता था। तो आगे से आप पोहे का नाम आदर से लीजिएगा, बल्कि एक शासनादेश जारी होना चाहिए कि केवल पोहा कहना देशद्रोह माना जाए, क्योंकि अब यह खाना नहीं सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा खजाना है। इसे पोहा जी, पोहा श्री या श्री श्री पोहा कहा जाए। हंसिए मत, पोहे की तरफ देखिए कितना डरा हुआ है। नामी गिरामी अंतरराष्ट्रीय खाद्य श्रृंखलाएं किसी भी दिन ऐलान कर सकती हैं कि हम पिज्जा का कारोबार समेट रहे हैं, अब हम पोहा बेचें। आज तक डरा। तो पहचान की नई मशीन बन गया है पोहा। पोहे से आते हैं चाय पर। मेरठ केंद्र के पशुपालन मंत्री संजीव बालियान की एक सभा थी, उन्होंने कहा अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आरक्षण मिल जाए तो वे जेएनयू और जामिया का इलाज कर देंगे। इस पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने उन्हें कैंपस में चाय पर चर्चा का न्योता भेज दिया। लेकिन हमारा सवाल दूसरा है, महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? ये जेएनयू और जामिया, इसमें जो ये लोग हैं जो देश के विरोध में लड़ रहे होते हैं, इनका इलाज एक ही है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का 10% रिजर्वेशन करवा दो, सबका इलाज कर देंगे, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कोई नारा नहीं लगा पाएगा, देश के खिलाफ नारा किसी की हिम्मत नहीं होगी फिर लगाने की। जेएनयू जामिया के एमफिल पीएचडी वालों के बारे में भारत के पशुपालन राज्य मंत्री के ये उच्च विचार आपने सुने होंगे। बहुत जोश में थे। जाटों को तो आरक्षण दिला नहीं पाए, लेकिन जानवरों के इलाज के डिग्रीधारी मंत्री छात्रों का इलाज करने के लिए आरक्षण मांग रहे। अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने उनकी नफरतों पर मोहब्बत का पैगाम भेजा है। कभी चाय पर कैंपस आइए, दो घड़ी बैठिए, ऐसी भी क्या हिकारत पढ़े लिखे लोगों से। अगर वो नफरत बोल रहे हैं तो बोने दीजिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में आइए, एक चाय पे मैं कहता हूँ कि एक चाय बैठ करके पियेंगे और इतनी मोहब्बत आप लेकर के जाएंगे कि फिर उसके बाद आप भूल जाएंगे कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी नागरिकता कानून का लगातार विरोध हो रहा है, अलग अलग तरह से। मास कम्युनिकेशन के छात्र काले कपड़ों में क्लास करने पहुंचे, चेहरे पर तिरंगा बनाकर। तो बाबे सैयद गेट पर नुक्कड़ नाटक खेला जा रहा था कि कैसे पुलिस कैंपस में घुसी और छात्रों पर जुल्म ढाया। बात जो फैली कानो कानो जामिया भी साथ में आई, बात जो फैली कानो कानो जामिया भी साथ में आई। पिछले दो महीने से जो चली आ रही है एक्टिविटीज, उनको हमने एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में दिखाया था, जैसे कि पहले बिल का पास होना, फिर उसका लोगों पर अपोज, फिर हमारे जो वाइस चांसलर हैं उनका एक्शन इस पर, जो भी दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं, जामिया है, जेएनयू है, बाकी सारी यूनिवर्सिटीज पर जो भी हुआ है, जैसे भी एक्शन हुआ है, जितना भी लोगों को मारा गया है, मूवमेंट चल गया है। हम स्टूडेंट से हमारा जो रेजिस्टेंस शो करने का, अपना डिसेंट शो करने का तरीका है वो पीसफुल है, चाहे वो गजलें गाकर हो और नुक्कड़ नाटक के थ्रू हो और पेंटिंग्स बनाकर हो। इधर दिल्ली के शाहीन बाग में लखनऊ के घंटाघर पर नागरिकता कानून के खिलाफ आंदोलन लगातार जारी है। बीजेपी के नेता प्रदर्शनकारियों को पाकिस्तानी कह रहे हैं, उग्रवादी कह रहे हैं, राष्ट्र विरोधी कह रहे हैं, लेकिन ये लोग उठने को राजी नहीं। आजादी मांगते, अगर भारत से आजादी मांगते तो हम सब मिलकर मोदी साहब को विनती कर ये सीमाएं थोड़े दिन खुली कर दो,
जिसको आजादी चाहिए वो जहां जाना है वो चले जाए। किसी को बात के पकड़ के तो नहीं रखा है, वो हमारे गले में बैठते हैं, इसको जिधर जाना है जा सकते। तो भाई जाओ ना, क्यों हमारे को परेशान करते, तुम भी छूटे हम भी छूटे। नागरिकता कानून पर दोनों तरफ से ठनी हुई है, कोई भी अपने कदम पीछे खींचने को राजी नहीं है और अब इसकी सियासत सीधे सीधे दिल्ली के चुनाव से जुड़ गई। पाकिस्तान और जिन्ना को राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, तो क्या ये नागरिकता कानून के बहाने चुनावी ध्रुवीकरण की चाल है? बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये इशारा क्या कहता है? आखिर क्यों विकास की रट लगाती हुई बीजेपी देश को राम, पाकिस्तान और मुसलमान से बाहर नहीं निकलने देना चाहती? क्या बीजेपी के पास विकास के मुद्दे का कोई जवाब नहीं? क्या बीजेपी के पास गिरती अर्थव्यवस्था का कोई जवाब नहीं? क्या बीजेपी के पास भयानक बेरोजगारी का कोई जवाब नहीं? क्या बीजेपी के पास उद्योगों की दुर्दशा का कोई जवाब नहीं? क्या बीजेपी के पास कारोबार की दुर्दशा का कोई जवाब नहीं? क्या बीजेपी के पास खेती किसानी की दुर्दशा का जवाब नहीं? अगर संजीव बालियान से लेकर नितिन पटेल और अमित शाह से लेकर प्रकाश जावड़ेकर, राजनाथ सिंह और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक न रोजगार की बात कर रहे हैं, न महंगाई की, न भ्रष्टाचार की, तो कारण क्या है? आज तक ब्यूरो। हैरान तो कर रहे हैं दोस्तों राजस्थान के दौसा के किसान, वहां एक अजीब सा आंदोलन चल रहा है। बीजेपी के सांसद किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में करीब 100 किसान केंद्र के खिलाफ जमीन के अंदर समाधि सत्याग्रह कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि दौसा से गुजर रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए ली गई जमीन का 4 गुना उन्हें मुआवजा दिया जाए। ये दौसा के किसान हैं और ये सत्याग्रह कर रहे हैं, पूछिए क्यों? तो मुआवजे के लिए। 100 से ज्यादा किसानों ने अपनी ही जमीन में गड्ढे खोद दिए कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए ली गई जमीन का 4 गुना मुआवजा दिया जाए। आपको हैरानी होगी, ये हाईवे केंद्र की बीजेपी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शुमार है और किसानों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा। क्योंकि फैक्टर तय करना और मुआवजे का निर्धारण करना राज्य सरकार का मामला है, इनके निर्धारण के बाद ही भारत सरकार पैसा देती है और यह निर्धारण में गड़बड़ी हुई है। देखिए, हमारा अनिश्चितकाल धरना जारी रहेगा, जब तक सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करती है तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। मैं माननीय सचिन पायलट जी से सवाल करना चाहता हूं कि आप किसान किसान की बात करते हैं, किसान 2 दिन से यहां बैठा है ठंड में, तो आपके मुंह में दही क्यों जम रहा है? कहानी कुछ यूं है कि जमीन तो बरसों पहले ले ली गई थी लेकिन जो मुआवजा दिया गया उसे किसानों ने ठुकरा दिया। किसानों का कहना है कि जब कोई हाईवे 1 से अधिक राज्यों से होकर गुजरता है तो उसका मुआवजा DLC दर से 4 गुना तक दिया जाता है, लेकिन दौसा सहित अनेक जिलों में किसानों को सिर्फ 1.5 से 2 गुना ही मुआवजा दिया गया। मुद्दा ये भी है कि सरकार ने जमीन का दाम तो लगा दिया लेकिन उनके घरों की कीमत किसानों की उम्मीद के मुताबिक नहीं लगाई। कि जब यहाँ बीजेपी की सरकार पिछले टाइम पे थी उस टाइम इन्होंने 2.5 गुने का एक्ट पास कर दिया 10 किलोमीटर दूरी तक, और इसके लिए लगातार बेचारे हमारे किसान परेशान हैं, हम उनके साथ में और इसके लिए हम बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री के महोदय से क्या इसका समाधान हो सकता है, क्योंकि करोड़ लाल जी के नेतृत्व में, सम्माननीय मित्र जी के नेतृत्व में हमारे पूरे किसान आंदोलित है और हम ये चाहते हैं कि किसानों को वाजिब पैसा मिले। अब मामला राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच फंसा हुआ है। किसानों के नुमाइंदे मुख्यमंत्री तक से मिल चुके हैं लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हार कर लाडला का बांस गांव के 100 से ज्यादा किसानों ने अपनी ही जमीन में गड्ढे खोद डाले और जमीन समाधि सत्याग्रह पर बैठ गए। इस सत्याग्रह में जितनी महिलाएं हैं उतने ही पुरुष। शरद कुमार, दौसा, आज तक। राजनीत के नारों में दोस्तों आपने बहुत सुना होगा कि भारत में पहले बहुत भ्रष्टाचार था और अब सब साफ सुथरा हो चुका है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ये कहती है कि भ्रष्टाचार के मामले में 2 साल में हमारी साख और गिरी है। जो चिंता की बात है वो ये कि दुनिया के 20 देशों ने अपनी रैंकिंग में लगातार सुधार किया है लेकिन हम भ्रष्टाचार से तौबा करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है।
भ्रष्टाचार ने तबाह किया है कि नहीं किया है, भ्रष्टाचार बर्बादी लाया है कि नहीं लाया है, भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। चुनावी भाषणों में चाहे जो भी जुमले उछाले गए, लेकिन सच ये है कि भारत अभी भी भ्रष्ट देशों की सूची में मुसलसल तरीके से अपनी जगह पर बरकरार है। बल्कि पिछले साल की तुलना में हमारे मुल्क में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कह रही है। गौर कीजिए, 2016 में हम 79वें नंबर पर थे, 2017 में हम 81वें नंबर पर पहुंच गए, 2018 में थोड़े बेहतर हुए, 78वें नंबर पर पहुंचे, लेकिन 2019 में भ्रष्टाचार और बढ़ गया, हम 80वें नंबर पर पहुंचे। भारत को इस इंडेक्स में 100 में से कुल 41 नंबर मिले। और मजे की बात यह है कि भारत के साथ साथ चीन, घाना, बेनिन और मोरक्को का भी स्कोर 41 ही है। मतलब ये सारे देश भ्रष्टाचार के मामले में हमसे मुकाबला कर रहे हैं। देखिए कि 2012 से लेकर अब तक 22 देशों ने अपने स्कोर में सुधार किया है, लेकिन हमारा प्यारा हिंदुस्तान गर्व के साथ उतना ही भ्रष्ट बना हुआ है। और देख लीजिए, दुनिया के 10 सबसे कम भ्रष्ट देश, या कहें कि 10 सबसे ईमानदार देश। इसमें डेनमार्क है, 87 नंबर मिले हैं 100 में से, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, सिंगापुर, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग। और भारत तो कहीं है ही नहीं, देख लीजिए इन सब के नंबर 80 से ज्यादा और हम हैं 41 पर। मसला ये भी नहीं है कि हमारा नंबर 41 है, मसला ये है कि हम ईमानदारी के तमाम दावों के बावजूद दुनिया के नजरों में ईमानदारी की ओर बढ़ते नजर नहीं आते। आज तक ब्यूरो दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।